अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8 क्लास के नेक्स्ट एमसीक्यूज़ करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आप लोग इन एमसीक्यूज़ की बार बार प्रैक्टिस कर लें। ये पीपीएससी के हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट आप लोग ये जो बेसिक अलजेब्रिक फार्मूले गिवन से ना, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लें। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये फार्मूले हैं, आप लोग इनको अच्छे से याद कर लें। जैसे कि फर्स्ट लिखा हुआ है ए प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगर ये प्लस के लिहाज से है तो इसके टू के साथ इधर प्लस आएगा, ये माइनस के लिहाज से होता तो जस्ट टू के साथ हम चेंज करते हैं माइनस का। ये देखें, अब इधर लिखा हुआ है ए माइनस बी होल का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये इतनी सी चेंजिंग आती है माइनस के साथ, टू के साथ क्या करना होता है माइनस। अच्छा, ये क्वेश्चन में बार बार यूज़ होता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है। ये जस्ट माइनस में होता है, अगर ये माइनस में गिवन हो तो एक बार हम इसको प्लस में लिखते हैं और एक बार इसको हम माइनस में लिखते हैं। ये याद रख लें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होगा। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ए प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस थ्री ए का स्क्वायर प्लस बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ये प्लस के लिहाज से और ये माइनस के लिहाज से है। ठीक है, ये फार्मूले आप लोग याद रखना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होंगे। नेक्स्ट करते हैं, कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जैसे कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, अब जिसकी पावर वन हो वो क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अगर किसी भी इक्वेशन की पावर टू हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, वो लीनियर नहीं रहती। हम पहले एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पहले एमसीक्यू में क्या कह रहा है कि इसमें डाटा गिवन है, जो हमने ऊपर फार्मूले पढ़े हैं उनको यूज़ करते हुए अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में कहता है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू फाइव एंड बी माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू दिस। अब फाइंड करें ए का स्क्वायर प्लस बी माइनस बी का स्क्वायर। अभी मैंने ये फार्मूला ऊपर सॉल्व किया है, ये क्या कह रहा था कि अगर a माइनस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, एक बार ये प्लस में लिखी जाती है और एक बार ये माइनस में लिखी जाती है वैल्यू। ठीक है, एक बार ये प्लस में और एक बार ये माइनस में, और ये किसके इक्वल होती है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है। अब a माइनस बी की वैल्यू फाइव गिवन है और a प्लस बी की सेवन गिवन है, a प्लस बी की वैल्यू सेवन गिवन है। अब सेवन को फाइव से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनता है, 35। तो इसका आंसर आ जाएगा 35। जस्ट आप लोग ऊपर वाले फार्मूले याद कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट में गिवन है कि ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर की वैल्यू 56 और ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है 7। अब हमने इधर क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी। अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक बार ये प्लस में लिखा जाता है और एक बार ये माइनस में लिखा जाता है। अब इधर हमें गिवन किसकी वैल्यू है, इस वाली रकम की ये गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है, माइनस में वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू ए प्लस बी की वैल्यू सेवन गिवन है और ये हमने ऐसे ही फाइंड करनी है। अब ये सेवन इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इधर भी डिवाइड, इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बन जाएगा 7 8 58। तो ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी इधर 8। ऐसे ही आप लोगों ने सॉल्व कर लेने। इधर देखते हैं, ये कहते हैं कि एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू फाइव, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की फोर प्लस वन ओवर एक्स की पावर फोर गिवन है। अभी हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं कि ए माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब हमने इसी इक्वेशन को यूज़ करना है और इस पर अप्लाई करना है। अब इधर जो ए गिवन है वो एक्स गिवन है और बी जो गिवन है वन ओवर एक्स गिवन है, ये है। अब हम इसको ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस टू, जब हम ए की जगह पे एक्स, ए की जगह पे क्या पुट करेंगे एक्स और बी की जगह पे वन ओवर एक्स और प्लस वन ओवर एक्स का स्क्वायर ये पुट करेंगे तो ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस टू वन ओवर एक्स का स्क्वायर, यह बच जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। अब हमारे पास क्या बन गया है, हमने किधर तक सॉल्व कर लिया, इधर तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। अब एक्स की जगह पे हमें क्या गिवन थी,
ठीक है, अब हमारे पास क्या फार्मूला बन गया, ये बच गया कैंसिल आउट होने के बाद। अब हम ऐड वाली ये जो प्लस और हम इसको एक तरफ लिख लेते हैं और ये माइनस टू। अब हमने ये स्क्वेयर का फार्मूला ओपन किया था तो हम इधर 25 का भी स्क्वेयर ले लेते हैं, 5 का स्क्वेयर 25 आ जाएगा। अब ये माइनस का टू है, ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1/2 x का स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये 2 इधर से ऐड होगी क्या बन जाएगा 27। अब ये देखें x का स्क्वेयर और 1/x का स्क्वेयर इज इक्वल टू 27 बन गया। अब हम अगेन दोबारा इसका स्क्वेयर रूट लें तो हमारे पास क्या आता है, हम अब इसके ऊपर दोबारा अप्लाई करते हैं फार्मूला ये वाला कि a का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर, नहीं ये वाला a माइनस बी होल का स्क्वेयर इज इक्वल टू a का स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वेयर। अब हमने अप्लाई करना है a के स्क्वेयर पे माइनस 1/2। अब इसके अंदर a जो है ये है और b 1/x का स्क्वेयर है, अब ये बन जाएगा। अब हमने इसका स्क्वेयर का स्क्वेयर लेना है तो ये x की 4 बन जाएगा, इधर माइनस 2, ये आपस से कैंसिल आउट होकर इधर 2 बच जाएंगे और b की जगह पे 1/x का 4। और जब हम 27 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 27 का स्क्वेयर लेते हैं। अब हम प्लस वाले साइड पे लिख लेते हैं, ये 4 बन गया प्लस 1/x की 4 इज इक्वल टू 27 का हम स्क्वेयर लेके लिखते हैं तो ये बन गया हमारे पास x की 4 प्लस 1/x की 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 27 का स्क्वेयर। अब 27 का स्क्वेयर क्या बन गया, 2 7 2 9। अब ये वाला 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड। अब इधर बन गया x के 4 प्लस 1/x के 4, अब ये इसे ऐड होके क्या अब दे देगा, 727 आंसर दे देगा, ये इधर लिखा हुआ है। अच्छा आप लोगों ने इधर क्या करना है, सिंपल ये जो हम फार्मूला लिखते हैं a माइनस बी या a प्लस बी, इधर माइनस वाला यूज़ करना है, का स्क्वेयर इज इक्वल टू a का स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वेयर, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ये एक बार यूज़ करना है। अब आप लोगों ने इसके अंदर a की वैल्यू लेनी है x और b की वैल्यू लेनी है 1/x, इसको यूज़ करते हुए आप लोगों ने फार्मूला ओपन करना है। इधर a और b की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/x होल का स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन है, इसको यूज़ करते हुए आप लोगों ने फार्मूला ओपन करना है। एक बार ओपन करना है हमारे पास आंसर आ जाएगा 27, फिर इसका हुई दोबारा ओपन करना है तो हमारे पास आ जाएगा 727 आंसर। नेक्स्ट करते हैं, अच्छा नेक्स्ट ये फर्स्ट देखते हैं, कहते हैं कि ए माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज 56, ए प्लस बी इज इक्वल टू 7, और ए माइनस बी फाइंड करना है इधर हमने, ठीक है। अब हम ओपन करते हैं पहले ए, हमारे पास क्या गिवन है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी और a प्लस बी। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, अब हमारे पास इधर गिवन किसकी वैल्यू है, a 56 ये गिवन है, हमारे पास क्या गिवन था 56 a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। अब जो a प्लस बी में हमने फार्मूला ओपन किया हुआ था उसमें से हमने फाइंड किसको करना है, a माइनस बी को, a प्लस बी की जगह पे हम 7 लिख देते हैं और a माइनस बी को वैसे लिख देते हैं, 7 इससे डिवाइड हो जाएगा, फिर 7 8 58 बन जाएगा, तो ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइड होके 8, जिस डिवाइड कर देना है आप लोगों ने फार्मूले याद कर लेने। नेक्स्ट करते हैं 904 का स्क्वायर लेना है, अच्छा ये फार इससे भी हो जाएगा बट आप लोगों ने एमसीक्यूज के तौर पे करना है तो आप लोगों ने क्या करना है कि 94 को 904 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है एमसीक्यूज, ये ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। नेक्स्ट कहता है कि 2a प्लस 4a 2a प्लस 4b प्लस 3a प्लस 6b ये गिवन है। अब कहता है कि इसको फाइंड करो कि क्या क्या इसके आंसर बन सकते हैं। अब हम करते हैं पहले a वाली रकम को साइड पे लिख लेते हैं, 2a प्लस 3a प्लस 4b प्लस 6b। अब अच्छा इसमें से देखो कि कॉमन क्या आ रहा है, हम वो कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट में से 2a कॉमन आ रहा है तो हम 2a कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट अच्छा अब हमने ये a वाली सेपरेट कर ली और b वाली सेपरेट कर ली, अब हम इनको ऐड करते हैं, ये क्या बन जाएगा 5a और इधर क्या बन जाएगा 10b। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 5, इधर बच गया a, इधर बच गया 2b, डिवाइड हो जाएगा तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 5a प्लस 2b,
आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ए वाली सेपरेट कर लें, बी वाली सेपरेट कर लें, तो ये इजी रह जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। बट जो ये इसके अंदर सॉल्व किया हुआ है ना, ये वाला क्वेश्चन इसके अंदर फार्मूला लगा हुआ है, बट आप लोगों को अगर ऐसी कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो ए वाले सेपरेट कर लेने और बी वाले सेपरेट करके ऐड करके उनका आंसर निकाल लेना। तो एम सी क्यूज़ के लिए शॉर्ट वे ही आप लोगों ने अप्लाई करना है। अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं कि एक्स ओ प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्केयर। अब इधर भी जो ए और बी की वैल्यू गिवन है ना, वो वन ओवर एक्स होल का स्केयर ये गिवन है। अब ए क्या बन गया, एक्स का स्केयर, प्लस टू क्या बन गया, एक्स ओवर एक्स का स्केयर बन गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसका नेक्स्ट क्या बन जाता है, वन ओवर एक्स प्लस बी की क्या बन जाएगी, वन ओवर एक्स का स्केयर। अभी एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, एक्स का स्केयर प्लस वन ओवर एक्स का स्केयर प्लस टू, और इधर जो गिवन है वन ओवर एक्स के स्केयर की वैल्यू कितनी गिवन है इधर, 10। अब हम इसे इधर क्या पुट कर देते हैं, 10 का स्केयर। अब 10 का स्केयर क्या आ जाएगा, 100। अब ये प्लस का 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये देखें, ये एक्स का स्केयर प्लस वन ओवर एक्स का स्केयर, ये इससे 100 टू से माइनस होकर क्या दे देगा हमें, 90। इधर क्या बन जाएगा हमारे पास, 98 बन जाएगा, 98 आंसर आ जाएगा ये, और हमने ये फाइंड इधर कर लिया। आप लोगों के पास अगर कोई भी इक्वेशन बन जाए तो फर्स्ट ए की वैल्यू रख लेनी है और सेकंड बी की वैल्यू रख लेनी है और फाइंड कर लेना है आंसर, 98 आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस। अच्छा, इसके इसमें जो पहला क्वेश्चन गिवन है, कहता है कि फैक्टराइज करें। फैक्टराइज के लिए कंडीशन होती है कि अगर दो नंबर गिवन हों, एक्स का स्केयर प्लस 20xy प्लस y का स्केयर, ये है। अब हमने क्या करना, मल्टीप्लाई करने से तो क्या बने था, 100, और ऐड करने से मिड वाले बने। दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये 100 बने, दो नंबर को ऐड करें तो मिड वाली रकम बने। अब हम देखते हैं कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाता है 100, और 10 को 10 में ऐड करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 20। अब ये देखें, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 बन जाता है, और 10 में 10 को ऐड करेंगे तो 20 बन जाएगा। हमारे पास यही कंडीशंस होती है। अब हम देखते हैं कि इनमें से कॉमन क्या था, इधर से क्या आ गया 10, इधर क्या बच गया 10x प्लस वाई, इधर से क्या कॉमन ले लिया हमने वाई, अंदर क्या बच गया 10x प्लस वाई, ओके। अब ये देखें कि हमारे पास ये इधर आंसर लिखा होगा 10x प्लस वाई, ऐसे आप लोगों ने इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट कहता है कि इसके भी फैक्टर बनाएं। अब इसमें जो किया हुआ है पहले, इसमें से हम इसके स्क्वायर कंप्लीट करने हैं, इसके फैक्टर नहीं बनाने। अच्छा, आप लोगों ने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 72 ए बी का स्क्वायर प्लस 81 बी 4। अब जहाँ ये आ जाए कि स्क्वायर कंप्लीट करने, आप लोगों ने फर्स्ट वाली और लास्ट वाली रकम देखनी। अब ये फर्स्ट किसका स्क्वायर बनता है, 4 का, और लास्ट किसका बनता है, 9 का। अब ये ए को हम वैसे लिख लेते हैं, ये बन गया। अब बी की स्क्वायर का स्क्वायर लिखना है। अभी देखिए, बीच में जो रकम लिखेगी ए और बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, इधर हमारे पास 2, अब बन जाएगा इधर हम 4 लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, और फिर क्या लिखेंगे, 9, और ए जो इसके साथ है वो 4a, और बी के साथ बी का स्क्वायर, ये ए और बी की वैल्यू ये बन जाएगी। अब जो फर्स्ट और लास्ट में हमने लिखा है, ये इसी का ही स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 9b का स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये देखें, ये ऐसे क्लोज बन जाएगा जो हमने फर्स्ट। ये बीच वाला आप काम ना भी करें एमसीक्यूज़ के लिए तो कुछ नहीं है, बट ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये मिड वाला काम आप लोग ना भी करें तो कुछ नहीं, ये फर्स्ट और लास्ट वाली रकम को आप लोगों ने देख के इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा इसका। ये नीचे इसको सॉल्व भी किया हुआ, आप लोग इधर से भी ट्राई कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं कि ए प्लस बी होल का क्यूब किसके इक्वल होता है। ये फार्मूला है, ये फर्स्ट में लिखा हुआ है, आप लोगों ने इसको ऐसे ही याद कर लेना। इसमें कहते हैं कि 3 2x माइनस वाई, ये किसके इक्वल होता है।
अब आप लोगों ने एक फार्मूला, अच्छा ये दो तीन फार्मूले और हैं, ये आप लोग ऐसे ही याद कर लें कि अगर डिफरेंस हो तो हम ए और माइनस बी में लिखते हैं और एक बार ए प्लस बी में लिखते हैं, ठीक है। अगर क्यूब का डिफरेंस हो, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब लिखते हैं, ए माइनस बी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का। इस क्वेश्चन को भी ना जैसे ये वाला फार्मूला गिवन है ना ऊपर, उसके अंदर वैल्यू पुट करके आप लोगों ने सॉल्व कर लेना, सिंपल वैल्यू पुट करनी है। और इसमें हमने किस चीज़ को फाइंड करना है, ए माइनस बी का क्यूब का। मैं आप लोगों को फार्मूला अरेंज करके दे देती हूँ, आप लोग उसके अंदर वैल्यू खुद पुट कर लेना। मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन तो आप लोग खुद कर सकते हैं। जब हम ए माइनस बी के फार्मूले को ओपन करते हैं तो क्या होता है, ए का क्यूब माइनस थ्री ए का स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। ये माइनस हम इस तरफ ले आते हैं, ये बन जाएगा ये, और इसमें से देखें कॉमन क्या आ रहा है, थ्री कॉमन आ रहा है, और इधर से ए और इधर से बी कॉमन आ रहा है। इधर क्या बच गया, ए और इधर बच गया बी। अभी देखिए हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, ए बी की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है। इसके अंदर आप लोगों ने वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि द सोल्यूशन ऑफ दिस, इस इक्वेशन का क्या फाइंड करें, सोल्यूशन फाइंड करें। टू एक्स इज इक्वल टू ये फाइव, इसमें से क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, टू एक्स इज इक्वल टू थ्री, और थ्री टू दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा थ्री ओवर टू। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल इक्वेशन थी, इसको आप लोगों ने क्या करना था, सॉल्व करना था। अच्छा अब इसमें कहता है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, 50 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेना और माइनस 90 को 19 को 19 से मल्टीप्लाई कर लेना, और फिर इनको क्या कर देना आपस में सब्ट्रैक्ट। जब 15 को 15 से सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 258 आ जाएगा, और आप लोगों ने इसको ऐसे ही कर क्या कर लेना, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। ये सिंपल है, ये भी हो जाएगा आप लोगों से। नेक्स्ट कहते हैं कि इसके फैक्टर बनाएं। अब आप लोगों को पता चल गया कि फैक्टर कैसे बनाते हैं, फोर का स्क्वायर लें तो क्या बनता है, 16 एक्स का स्क्वायर ये, और 5 का स्क्वायर लें तो क्या बनता है, 25, और वाई का वाई। अब हम इसको तो दो बार लिख सकते हैं, एक बार इसको हम प्लस में और एक बार इसको हम माइनस में, ठीक है। ये ऐसे किया हुआ, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ऐसे कर लेना है। ये आप लोगों ने इधर देख लेना है कि ये किसका स्क्वायर लिया हुआ है, 4 का स्क्वायर लिया हुआ है, ये किसका लिया हुआ है, 5 का। नेक्स्ट कहते फैक्टर बनाएं इसके। अब आप लोगों ने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने के, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या है, 36, और ऐड करने से हमारे पास क्या बन जाए, 12। बट इधर इसके फैक्टर नहीं बनाए हुए, जो नेक्स्ट सोल्यूशन किया हुआ ना इसके अंदर, इसमें क्या किया हुआ, कंप्लीटिंग स्क्वायर किया हुआ। अब आप लोगों ने देख लेना है कि इधर ए की वैल्यू क्या बनती है, टी, और बी की वैल्यू इधर क्या बनती है, 6। फर्स्ट में देखना है, ए का स्क्वायर लें, टी का स्क्वायर लें तो टी बनता है, और इधर से हम किसका स्क्वायर लें, 6 का स्क्वायर लें तो क्या बनता है, 36 बनता है, माइनस 2। अब हम अगर इसके अंदर वैल्यू पुट करें, ए की जगह पे टी और बी की जगह पे 6, और फिर इधर क्या हो रहा है, प्लस। अब ये देखें कि हमारे पास दोबारा वही बनता है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 12 बन जाएगा और ये 36 बन जाएगा। ये चीज़ हमारे पास दोबारा क्वेश्चन बन गया, तो हमने जैसे टी लेना है और 6 लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टी और माइनस 6 होल का स्क्वायर ये भी बन सकता है, और टी माइनस 6 और टी प्लस 6 ये भी बन सकता है। तो आप लोगों ने इन दोनों को ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। इसमें कहता है कि आप लोगों ने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाए। अब जब टी को लेंगे, के को लेंगे तो, और इधर किसका बना हुआ है, 9 का, 9 का स्क्वायर के का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। अब के को हम एक बार पॉजिटिव लिख सकते हैं पॉजिटिव में, और एक बार हम इसको नेगेटिव में लिख सकते हैं, एक बार मतलब प्लस में, एक बार नेगेटिव में। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इसके एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहता है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 60, दो चीज़ों की जमा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है। और नेक्स्ट कहते हैं कि द डिफरेंस ऑफ दिस एजेस इज कितना है, 40। एक्स माइनस वाई का डिफरेंस कितना है, 40। तो फाइंड करें। अब ये देखें, हम इन दोनों को ऐड करने से ये कैंसिल हो गया, ये 2x आ गया, ये कितना बन गया, 100। अब इसको हम एक्स को 2 को इससे डिवाइड करें तो कितना, 2 डिवाइड हो गया इधर भी और इधर भी 2 डिवाइड हो गया, ये इसे कैंसिल हो गया, 2
टू फाइव ज़ा टेन, एक्स की वैल्यू इधर कितनी आ गई है 50, एक्स की वैल्यू इधर कितनी आ गई है 50। अब 50 को इधर किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं, उधर से हमारे यहाँ पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी। हम एक इक्वेशन लिखते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 50। हम इधर एक्स की जगह पे 50 रखते हैं और वाई वैसे ही, और ये 60। 50 को हम उस तरफ जाके क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, ये से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा 10। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 10। अभी देखें फादर की एज क्या थी 50 और बेटे की एज क्या थी 10। ये करते हैं क्वेश्चन, कहते हैं कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है, फाइंड करें वैल्यू। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको ऐड कर देना, ये से कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 आ गया, 2x आ गया, 20 बन गया। 2 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे, 2 ये 2 इससे कैंसिल हो गया, 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2 2 10, तो एक्स की वैल्यू इधर क्या आ गई हमारे पास 10, क्योंकि एक्स को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सिंपल आप लोगों ने इसे कर लेना। नेक्स्ट कहता है कि एलिमिनेट करें टी को इसके अंदर से। अब हम क्या करते हैं, इसमें से हम पहले इक्वेशन में से टी को फाइंड कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 3t इज इक्वल टू एक्स। अभी जैसे टी की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स ओवर 3। अब दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास 2a, टी की वैल्यू क्या आप हमने निकाली है एक्स ओवर 3 इज इक्वल टू वाई। अब 3 को इससे वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2ax इज इक्वल टू 3y। ये देखें 2ax 3y, ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा अब ये 2 इधर क्या लिखा हुआ था 2ax इज इक्वल टू 3y था ना, तो इसको हम इस तरफ ले आते हैं, ये ऐसे किया हुआ 3y इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। ये ऐसे आप लोगों ने इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट कहता है द सम ऑफ द डिफरेंट, इस क्वेश्चन में द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर, एक नंबर का सम कितना है हमारे पास 90 और उसी नंबर का डिफरेंस कितना है हमारे पास 40, फाइंड करना है। ये ऐड कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, 2x इधर बच गया, ये 0, ये से ऐड हो जाएगा तो 3 बन जाएगा। अब हमने 2 को इससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, इधर एक्स बच जाएगा, इधर 3 0 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 इससे कैंसिल आउट होकर हमारे पास आंसर क्या दे देगा 65। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 65 एक्स आ गई। अब हम दोबारा एक इक्वेशन लिखते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अब हमने इसमें से वो वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स की जगह पे 65 लिख देते हैं प्लस वाई इज इक्वल टू 90 कर देते हैं। अब 65 को 90 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी 60, वाई की वैल्यू 90 माइनस 65, तो 90 माइनस 65 क्या होता है इज इक्वल टू 25। वाई की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई, एक्स की वैल्यू 65 आ गई। ऐसे आप लोगों ने कर लेना सॉल्व होगा। अगर दो नंबर का सम पूछो तो एक्स प्लस वाई को ऐड कर देना, और डिफरेंस पूछो तो एक्स माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट कर देना, और ऐसे ही आप लोगों ने इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना। इसमें कहता है कि इन दो नंबर्स को सॉल्व करें, क्या बनता है। अब हम नंबर लिखते हैं एक्स माइनस 2xy। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो इधर बच गया 4x का स्क्वायर, इधर से अगर 2x कॉमन चला गया तो इधर क्या बच गया, जस्ट ओनली y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर बच गया। अच्छा अब हमारे पास ये बन गया। अब ये देखें ना, हम इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, ये 2x होल का स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस वाई होल का स्क्वायर। अब इसके दरमियान में माइनस आ गया, अब हम 2x माइनस वाई एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार इसको माइनस में लिख सकते हैं, जैसे ये आंसर लिखा हुआ है। आंसर किधर चला गया है, ये रहा, ये आंसर लिखा हुआ है। अब उसको ही हमने 2 को एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार इसको क्या कर दिया, माइनस में लिख दिया। नेक्स्ट करते हैं, इसमें कहता है कि इसके फैक्टर बनाए, जस्ट इसमें से क्या करना, इन दो में से पहले कॉमन ले लेना, कॉमन लेंगे एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस 3, और इनमें से हम कॉमन लेंगे तो प्लस का 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया एक्स माइनस 3, तो एक बार हम इसको प्लस 4 लिख देते हैं और एक बार इसको माइनस 3 लिख देते हैं। ये आप लोगों को फैक्टर बना के इधर गिवन है, बस आप लोगों ने इसको क्या करना है, अरेंज करना है। नेक्स्ट इसका आप लोगों ने फार्मूला ओपन कर देना है, फार्मूला ओपन होगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 एक्स का स्क्वायर प्लस
टू ए बी, टू ए बी एक्स और वन ओवर एक्स लिखा जाएगा, इसे कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट इसलिए इधर क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, तो इसका फार्मूला ऐसे ओपन होता है। अच्छा नेक्स्ट कहता है ये फार्मूला पूछा हुआ है, किसका फार्मूला बनता है, ये एक्स प्लस होल का क्यूब का फार्मूला बनता है। कहता है कि टू सॉल्विंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू द पार्ट्स, इसको क्या कहते हैं, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको पार्ट्स में सॉल्व करने को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग, ये है भी बहुत ईजी, जो एक दो क्वेश्चन है वो थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, जैसे मल्टीप्लीकेशन हो गई, डिवाइड सब्ट्रैक्शन, वो आप लोग अगर एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे वो इजी है, वो हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें मैथ के, इन क्वेश्चंस के तो लास्ट में प्रैक्टिस करें।